प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में डिफेंस से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अलग अलग कॉरपोरेट संस्थाओं में बांटने को मंजूरी दे दी है। अभी ये बोर्ड देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को चलाता है और रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने यह फैसला देश के सैन्य उपकरण और हथियार बनाने वाले सबसे बड़े बोर्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए किया है। केंद्र सरकार लंबे समय से यह कदम उठाने के बारे में सोच रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। आपको बता दें कि OFB को सरकार की ओर से चलाई जाने वाली 7 अलग अलग कॉरपोरेट कंपनियों में बांटा जाएगा। इनके तहत ही अब 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां चलाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा कि इस फैसले से एक भी कर्मचारी प्रभावित नहीं होगा। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक OFB का नया सेटअप इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। पुराने स्ट्रक्चर में जो कमियां थी वो नए सेटअप में दूर हो जाएंगी। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, क्या कुछ अपडेट है? कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है डिफेंस सेक्टर में। मोदी कैबिनेट का एक अहम फैसला, 7 कॉरपोरेट कंपनियों में अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां तब्दील होंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, ये लंबित प्रोजेक्ट नीतिगत सुधार में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और 200 साल पुराने अयोध्या निर्माण बोर्ड जो थे उसमें पुनर्गठन का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यानी कि OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 41 ऐसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रिया थी जिनको अलग से 7 कॉर्पोरेट कंपनी में बदला जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जवाबदेही तय होगी। अब तक क्या कुछ हो रहा था, इसमें जवाबदेही नहीं मिल रही थी और काम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था। और जल्दी से जल्दी जिस तरीके से डिफेंस को जो सामान चाहिए, जो असला चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसके लिए जो रक्षा मंत्री उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो 7 इकाइयां हैं जो अलग की जा रही है, जिनको इस साल के अंत तक जब जहाँ पे काम शुरू हो जाएगा उनमें जो काम होगा उसमें असला बारूद विस्फोटक जो सामान है वो बनाया जाएगा। और इसके साथ ही जो हथियार है, उपकरण है, वो तैयार होंगे। पैराशूट जैसी जो चीजें हैं वो जो डिफेंस के लिए बेहद जरूरी होती है, वो जल्द से जल्द इसको बनाया जा सकता है, देश में बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया के तहत ये एक अच्छा कदम है। 70,000 कर्मचारी इन सभी 7 फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जिसमें ABOC तीनों ही ग्रेड के कर्मचारियों को किसी भी तरीके का कोई भी जिस बदलाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से उनमें प्रभाव नहीं पड़ेगा उनको। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया है और खासतौर से डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी तारीफ की है। उनकी तरफ से ये कहा है कि देश के डिफेंस सेक्टर को इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बाहर से चीजें आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश में बनेगा और जल्द से जल्द जिस तरीके से डिफेंस की मांग होगी उसको जल्द से जल्द देश में ही पूरा किया जाएगा। प्रीत किरण, यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की भी बात की जाए तो डिफेंस के सेक्टर में जो बाहर से खरीद होती थी, भारी भरकम रुपया विदेशों में देना पड़ता था, तो वहीं अब इस फैसले के बाद में उम्मीद की जा सकती है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए 7 कॉरपोरेट कंपनियों में से तब्दील किया जाएगा, इसको मॉडर्नाइज किया जाएगा और इसका प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। जी बिल्कुल, कॉर्पोरेट कंपनी बनाई जाएंगी और ऐसे में बाहर से जो डिफेंस की जो चीजें आती थी उनमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। जो हथियार आते थे ये भी कहा जा सकता है कि जो लड़ाकू विमान इंपोर्ट किए जाते हैं भारत में बड़ी संख्या में, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। जो हथियार है, जो उपकरण है, जो सैनिक सहायता की जो सामग्री बनाई जाती है देश में और विदेशों से आयात किया जाता है, विदेशों से आयात में कहीं ना कहीं कमी आएगी। देश में अब भारत में जो मेक इन इंडिया की बात हो रही है तो उसमें एक बढ़ावा मिलेगा और देश में कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में रोजगार भी बढ़ेगा और जो कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं उन्हें किसी भी तरीके का किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होंगे। 70,000 कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से इन कंपनियों को कॉर्पोरेटकरण किया जाएगा तो वो बने रहेंगे और काम करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की साल के अंत तक इन कंपनियों में काम करने के लिए हायरिंग भी की जाएगी। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जब कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद में जानकारी दी।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये कदम उठाया गया तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जब कॉर्पोरेट कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा उम्मीद से ज्यादा बेहतरीन और जो उनको सामग्री को बनाया जाएगा, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत में निर्माण के बाद उन तमाम सामग्रियों को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और अलग अलग देशों से भारत के कैसे रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। तमाम वो देश है जिनको भारत सैन्य सामग्री अभी भी एक्सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में भी भारत का विकास होगा, एक अच्छा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो कैबिनेट की बैठक मैं ये फैसला लिया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि डिफेंस सेक्टर में मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां कॉरपोरेट कंपनियों में तब्दील होंगी।